अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं फिश मसाला, फ्राई फिश मसाला बताने लगी हूँ, जिसके लिए हमें चीजें दरकार है। सबसे पहले ये मैंने फिश ली है मुश्का, आप देख सकते हैं ये फिश मैंने कितनी बड़ी, पूरे पूरे पीसेस रखे हैं, इसको छोटा नहीं करवाया क्योंकि मैं इसको फ्राई और ग्रिल बनाऊंगी। ये देखिए, ये मसाला लगा के आप ग्रिल भी बना सकते हैं, फ्राई भी बना सकते हैं। इसको सही से मैंने लेके वॉश कर ली थी, फिश वॉश हो चुकी है। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार है, पिसा हुआ धनिया, सॉरी सबसे पहले वाला, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये देखिए, ये गरम मसाला साबित, मैंने इसको हल्का सा रोस्टेड करके घर में कूटा है। सेकेंडली लाल मिर्चें, अदरक कह रही हूँ, लहसुन जो है वो ताजे लेके मैंने इसको कूट लिए थे। मछली मसाला आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैं शान का यूज कर रही हूँ, इट्स नॉट पेड पार्टनरशिपिंग। जीरा लेके मैंने इसको भून लिया था, ये जीरा लेके मैंने इसको भून लिया था। भूनने के बाद जो है मैंने इसको हल्का सा मोटा ये देखिए क्रश कर लिया। सिरका, आप सिरका देख सकते हैं, मैं बहुत थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, वो इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अभी फौरन मछली को फ्राई करना है ताकि मसाला अच्छी तरह उसमें जर्ब्स हो जाए। अगर आपको टाइम हो, आप 2 से 3 घंटे मछली छोड़ सकते हो, तो आप ये सिरका ऐड नहीं कीजिएगा। मेन इंग्रेडिएंट्स नमक, ये सारी चीजें आप अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं, जितना ज्यादा आपके पास मछली हो उस हिसाब से आप मसाला कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो है अदरक लहसुन भी आप ले सकते हैं, और खाली जो है अदरक भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, ये देखिए नमक मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची, प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं अपनी अम्मी के कराची आई हुई हूँ, तो पीछे से आपको बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा। अब हम डाल रहे हैं ये मछली मसाला, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, और ये मसाला जो है मेरी अम्मी लगा रही है। ये हम डाल रहे हैं गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, ये है जीरा, अच्छी तरीके से इसको मिक्सअप करना है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के मसाला मिक्सअप हो गया है। इसके अंदर ये देखिए थोड़ा सा हमने सिरका डाला है, सिरका डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं तो यही कहूंगी, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो आप बिल्कुल भी जो है वो सिरका ऐड नहीं कीजिएगा। आप इसको ऐसे लगा के रख देंगे 2 से 3 घंटे, तो मछली में अच्छी तरह मसाला जज्ब हो जाएगा। सिरका डालेंगे और अगर गलती से ज्यादा हो जाए, जो प्रोफेशनल है जिनको पता है कि हाँ हम मैनेज कर सकते हैं इतना डालना चाहिए वो डालें, तो कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरी अम्मी माशाल्लाह 40 साल से कुकिंग कर रही हैं, इसलिए उनको आइडिया है कि वो हैंडल कर लेंगी। जो नए नए कुकर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी, सिरका ना ऐड करें। अब ये देखिए, सही से मछली को हम इस तरह मसाला लगाएंगे। ये देखिए, ये मुश्का मछली है, ये कराची से में जो है खारे पानी की मछली बहुत मशहूर है, सीजन वाइज मछली होती है, आप कोई भी मछली ले सकते हैं, उसके ऊपर ये मसाला लगा सकते हैं। मैंने ये मुश्का ली है, इस तरह ये जो इसमें कट लगे हुए होते हैं, इसमें सही से आपने मसाला अंदर से टैप अप करना है। ये देखिए, अब इस तरह सारे आपने फिशेस में मसाला लगाना है। मैं जल्दी जल्दी सारी इस मछली पे सब में मसाला लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारी फिश पे मसाला लग चुका है। अब इसको मैं जो हूँ फ्राई भी करूंगी, और इसी से को ही जो मैं ग्रिल भी करूंगी, वो करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी मछली को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं।
ये देखिए एक पैन में ऑलरेडी जो है मैंने ऑयल गरम कर लिया था। अब इसके अंदर हम फिश ऐड करेंगे। तेल ऑलरेडी अच्छा खासा गरम हो चुका है, अब इसके अंदर हमें ये फिश डाल दी है। अब ये फ्राई होती है तो मैं इसको आपका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिश फ्राई हो चुकी है और ये इसका फाइनल लुक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर इसका रिव्यू दीजिएगा आपको ये फ़िश कैसी लगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।